साहस सरोकार। यूएन ने रूस पर दिया कड़ा बयान, कहा पूर्वी यूक्रेन में आक्रमण ने युद्ध को और हिंसक और विध्वंसकारी बनाया। भारत समेत दुनिया भर में इंस्टाग्राम रहा डाउन, यूजर्स को आई दिक्कत, सोशल मीडिया पर दिए रिएक्शन। पंजाब के लुधियाना में एक ही परिवार के 7 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के फैसले से बीजेपी पर भड़के ओवैसी। सीएम योगी के निर्देश के बाद नोएडा में 602 मंदिरों और 265 मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर नोटिस। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। लाउडस्पीकर विवाद के बीच अलीगढ़ की शहर सीट से भाजपा विधायक मुख्तार राजा ने अलीगढ़ के अपर जिलाधिकारी नगर को एक पत्र लिखा है और जिले में मौजूद मस्जिद और उन पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर जानकारी मांगी है। साथ ही मुख्तार राजा ने अपने पत्र में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जांच करने की भी बात कही है। साथ ही मुख्तार राजा ने सुबह 5 बजे से पहले होने वाली नमाज को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जिसके बाद अलीगढ़ प्रशासन उक्त जानकारी जुटाने में लग गया है। उसमें भी उनके द्वारा यही पूछा गया है कि शहर में जो भी ये मस्जिद हैं या अन्य धार्मिक स्थल हैं उस पर कितने लाउड स्पीकर या अन्य चीज़ें लगी हुई हैं, उसके हमको अगर आपके पास उपलब्ध संख्या है तो हमें दे दीजिए। तो उसमें भी हमने अपने मजिस्ट्रेट्स को पत्र लिख दिए हैं कि वो लोग काउंटिंग करा लेंगे, पुलिस और मजिस्ट्रेट, उसके बाद जो भी है पत्राचार के माध्यम से सूचित कर देंगे। अब ये हम नहीं बता सकते, अब उन्होंने हमसे मांगा है, माननीय प्रतिनिधि है हमारे, तो हमारे पास जो उपलब्ध है संख्या हम उपलब्ध करा सकते हैं। लाउड स्पीकर के संबंध में ही है कि मस्जिदों के ऊपर या अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उन पे कितने लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग उनसे बातचीत कर लेंगे। और कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में है। जहां कानपुर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस अधिकारी डीएम आगरा प्रभु एन सिंह समेत कई अधिकारियों ने पैदल मार्च किया, जहां ये मार्च एमएम गेट मंटोला सहित कई क्षेत्रों में किया गया। देखिए, प्रतिदिन की बात ही, आज भी फुट पेट्रोलिंग की गई है और इस फुट पेट्रोलिंग में जो कि शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है, संवेदनशील इलाका है, उसमें मेरे और डीएम साहब के द्वारा आज इस फुट पेट्रोलिंग में शामिल हुआ गया। इसमें सभी थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारीगण जो इस क्षेत्र के थे और एसपीसी के साथ शामिल हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो यहाँ के लोग हैं उनमें सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा की भावना जागृत करना है और लोगों को ये मैसेज देना है, क्रिमिनल्स को ये मैसेज देना है कि उनके खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करते हैं, कोई छेड़छाड़ की घटना करते हैं, कोई लूटपाट की घटना करते हैं, कोई क्राइम करते हैं,
बैजम कस्बे में ब्लॉक स्तरीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्रीय विधायक सौरभ सिंह सोनू ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मेले के दौरान नेत्र दंत रोग और संचारी रोग नियंत्रण करने के साथ साथ कोरोना की रोकथाम के लिए कई तरह के स्टॉल लगाए गए, जिसका विधायक ने एडिशनल CMO और CHC प्रभारी के साथ सभी स्टॉलों पर जाकर विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला मंदिर के साथ साथ सामाजिक समरसता का ध्यान में रखते हुए अन्य मंदिर बनाने पर भी विचार किया गया। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि, माता जानकी और गणपति बप्पा का भी मंदिर बनाया जाएगा। यही नहीं, मंदिर परिसर में बाल स्वरूप में रामलला की एक अलग से मूर्ति बनाई जाएगी। इस दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इन बातों पर भी बैठक में विचार किया गया और सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई है। और टाइम प्लान बनाने की चेष्टा की गई, क्योंकि हमने विचार किया है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान को स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। रिटेनिंग वॉल, परकोटा, इन सब पर विचार हुआ है और अन्य कौन कौन से मंदिर बने, इसकी चर्चा आज ट्रस्ट की मीटिंग में हुई। एक विचार ये आया है कि परिसर में रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि का। खबर गाजियाबाद से है, जहां SOG ग्रामीण और थाना चौनिका सिटी पुलिस ने पूजा कॉलोनी मंगल बाजार में परी ज्वेलर्स की दुकान पर बैठे मालिक की लूट करते समय की गई हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 14 अक्टूबर 2021 को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में परी ज्वेलर्स नाम की दुकान पर, जो इस दुकान के मालिक थे श्री राम कुमार वर्मा जी, उनको कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी लूट के प्रयास के दौरान। तो उस पर केस पर हम लोग काफ़ी समय से लगे हुए थे, लगभग 6 माह का समय बीत चुका था। कुछ हमें लीड मिली, उस लीड के अनुसार हम लोगों ने जब इसको डेवलप किया तो CO लोनी एवं उनकी टीम ने एवं SOG देहात की टीम ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, इसको डेवलप करते हुए जो मुख्य आरोपी थे। बलिया में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पत्रकारों की रिहाई और जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के निलंबन की मांग को लेकर बलिया कलेक्ट्रेट में क्रमिक अनशन पर बैठे जिले के पत्रकारों के समर्थन में मैगसेस पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह पत्रकारों के अनशन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 3 पत्रकार जो जेल गए हैं वो कभी ना कभी तो छूटेंगे, क्योंकि वो सभी निर्दोष है। देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर और मुद्दा बलिया स्तर का है नहीं, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। मतलब मेरे ख्याल से पूरे यूपी बिहार का तो है ही है, अगर पूरे भारत का ना भी हो तो यूपी बिहार में जिस तरह से नकल करके नौजवान नवयुवतियां अपने इम्तिहान पास कर रहे हैं, ये कोई देश के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। आप ऐसी एक खेप तैयार कर रहे हैं नौजवानों नवयुवतियों की। और आज से नहीं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में 30 साल से ये समस्या बलिया में है, शायद उससे पुरानी समस्या है, पर 30 साल से तो मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ इसको। तो ये ऐसी समस्या में हाथ डाल दिया है इन्होंने कि ये मधुमक्खी का छत्ता है। 3 पत्रकार जो जेल गए हैं वो तो छोटी बात है, वो तो छूटेंगे, कभी ना कभी छूटना ही है उनको, क्योंकि वो गलत जेल गए हैं, वो निर्दोष हैं। ये पत्रकारों के सहारे इतना बड़ा नकल का जो पूरा कार्यक्रम है नहीं चल रहा है, इसमें बड़े माफिया शामिल हैं, उस माफिया में विद्यालय महाविद्यालय। सेना के जवान रहे सौरभ राणा की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बरेली के रहने वाले आर्मी के जवान सौरभ राणा को संजय नगर शमशान भूमि पर हजारों नम आंखों ने अंतिम विदाई दी। सैनिक सौरभ राणा की 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। घर वाले जहां क्रॉस फायरिंग में गोली लगने की बात कहते हुए सौरभ राणा को शहीद बता रहे थे, तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सैनिक सौरभ राणा के खुद को गोली मारने की बात कह रहे थे। साथ ही बरेली के DM शिवाकांत द्विवेदी और SSP रोहित सिंह सजवाड़ को
आर्मी हेडक्वार्टर से मेल भेजा गया है। बदायूं से फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है, जहां दो शातिर अभियुक्त फर्जी राज्य मंत्री बनकर जिलाधिकारी दीपा रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उच्चाधिकारीगण को फोन किया करते थे और जमीन प्रकरण के संबंध में पीड़ित हरि सिंह को 2 लाख रुपए वसूलते थे। वही सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी दीपा रंजन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। जनपद बदायूं में आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से आसिफ खान जो बिलसी के निवासी है और सुमित कुमार जो बिसौली थाना क्षेत्र के नागपुर का निवासी है, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये दोनों लोग अपने टेलीफोन से एक माननीय कैबिनेट मिनिस्टर का नाम ले करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, स्वयं मुझे और SDM को तथा थाना प्रभारी को एक जमीन के प्रकरण में अनावश्यक दबाव बना रहे थे, लेकिन इनकी बातचीत की शैली से ऐसा लगा कि आदमी फर्जी है। इस पे त्वरित कार्रवाई की गई और जब चेक किया गया तो ये दोनों लोग कलेक्ट्रेट के बाहर ही पाए। अलीगढ़ के जयगंज की सब्जी मंडी बाजार के पास सड़क किनारे क्षेत्रीय लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा पाठ के बाद भगवान हनुमान की प्रतिमा पर आरती उतारकर लोगों में प्रसाद बांटा गया। हनुमान चालीसा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां चारों ओर भक्ति का माहौल बना रहा। पिछले कई दिनों से कई जगह हनुमान चालीसा पाठ को करने का उत्साह अब देखने को मिल रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है आज जयगंज के अंदर बाजार के अंदर। हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया है क्षेत्रीय जनता द्वारा सभी। रायबरेली से कुछ दिन पहले दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां किशोरों का एक समूह एक किशोर को तालिबानी सजा देता हुआ नजर आया। अलग अलग वायरल वीडियो में किशोर को पीटने के साथ ही उसे पैर चटाने का हुक्म देते किशोर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हुक्म पाने के बाद किशोर उन दबंग किशोरों का पैर चाटता हुआ भी नजर आ रहा है। वह इस पूरे वीडियो के वायरल होने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वीडियो जगतपुर इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित और आरोपी एक ही गाँव के रहने वाले हैं। कस्बा जगतपुर थाना जगतपुर में स्कूली बच्चों के बीच में एक मारपीट हुई थी, जिसमें पीड़ित छात्र द्वारा एक शिव मौर्या नाम के व्यक्ति तथा उसके साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पर लोगों को उसमें पुलिस ने चिन्हांकित किया और उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी करके सबको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वर्तमान में गाँव में शांति है और किसी भी तरीके की कोई बात अब वहां पर इस तरह की नहीं है कि जो जिससे कोई कानून। रायबरेली के रालपुर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग से गरीब किसान की 10 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसकी सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। साथ ही मामले की सूचना स्थानीय लेखपाल को भी दे दी गई है। सूर्यभान सिंह, पिता का नाम जगत सिंह। गांव कौन सा? पूरे गौरम मजरे रालपुर। अच्छा, क्या मामला है यहां पे? आग ट्रांसफार्मर से आग लगी। ट्रांसफार्मर से आग लगी, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? 10 बिस्वा गेहूं भरेगा, जंगल पूरा जल गया। अच्छा, लगभग कितने बजे की घटना है ये? 12 बजे की। 12 बजे की फायर सर्विस को आपने सूचना दी? हाँ। और लेखपाल को? लेखपाल का हमारे पास नंबर नहीं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।